बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और जो दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह ताला उनकी मगफ़रत फरमाए, आमीन। तो करती हूँ अपना आज का व्लॉग स्टार्ट। तो तकरीबन 2-3 दिन पहले की ये मूवी है जो मैंने बनाई है, मेरी जेठ की जो बेटी है उसकी बर्थडे थी, तो हम लोगों ने उन्हें दिया सरप्राइज़। बच्चों की छुट्टियां जा रही हैं और बच्चे जो उनसे हैं वो एज फैलो हैं, तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं इकट्ठे। तो हम लोगों ने एक फंक्शन रखा जो उन्हें सरप्राइज़ दिया, तो हमने उनकी बर्थडे जो उनसी है वो अपने ही घर में सेलिब्रेट की। वो ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं। तो मैं गई बाज़ार और मुझे समझ नहीं आ रही थी उसके लिए क्या लूँ, तो मैंने उसके लिए लिया फैमिली डॉल हाउस लिया। और यहाँ अक्सर हम लोग आते रहते हैं, यहाँ पर टॉयज़ बहुत ही अच्छे मिलते हैं, तो ये मैंने उसके लिए गिफ्ट लिया। इसके अलावा डॉल्स मुझे अभी तक बहुत ही पसंद है। तो ये देखिए, इन्होंने बहुत ही अच्छी फ्रॉक्स वगैरह पहनी हुई थी, तो मुझे इतना पसंद है कि मेरा दिल करता अब भी डॉल वगैरह ख़रीदूँ। लेकिन मैंने फिर उसके लिए गिफ्ट लेने के बाद देखे, यहाँ पर इन्होंने बर्तन वगैरह भी रख लिए, ज्वेलरी भी रख ली। और ये देखिए, मैंने इसका गिफ्ट जो उनसे है ये पैक करवा लिया, और जौन सा सामान था इधर यहाँ पर बर्तन वगैरह वो भी अच्छे इन्होंने रखे हुए हैं। और यहाँ से मैंने कॉफ़ी बीटर लिया, मैं आपको उसका बताऊँगी। वो कॉफ़ी बीटर जौन सा है वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा जितना अच्छी, यानी कि कॉफ़ी आप चम्मच के साथ बना सकते हो इतनी अच्छी नहीं उसके साथ बनती। और ये देखें, यहाँ पर इन्होंने ज्वेलरी वगैरह भी रखी हुई है और घड़ियाँ भी रखी हैं, इसके अलावा बर्तन वगैरह रखे हैं। और गिफ्ट जो उनसे है वो मैंने पैकिंग करवाया क्योंकि सरप्राइज़ था। और इसके अलावा जो मेरे बच्चे हैं वो अपने पापा के साथ जाके केक लाए और कैंडल्स वगैरह लाए, और उसके लिए एक ताज भी लाए और पिज़्ज़ा वगैरह लाए, तो समोसे और शामी टिक्कियाँ इस तरह की चीज़ें ले आए। फिर हम लोगों ने उसकी बर्थडे की और समोसे वगैरह खाए और काफ़ी इंजॉय किया। चटपटी चीज़ हो चाहे गर्मी हो सर्दी, तो इसके साथ ड्रिंक ही अच्छी लगती है। लेकिन हम लोगों ने दोनों ने, यानी हम मेरी जेठानी और मैंने ड्रिंक पी ली, बकाया सबके लिए कॉफ़ी बना ली, तो काफ़ी मज़े के समोसे और शामी टिक्कियाँ थी। तो इसके बाद हम लोगों ने, यानी कि बातें वगैरह करते हमें काफ़ी टाइम हो गया, शाम का टाइम हो गया, तो शाम को हमने चिकन पुलाव बना लिया। हमसे मुराद यहाँ पर मेरी जेठानी और मैं हूँ, तो हम दोनों ने मिलकर काम किया। रात को हम लोगों ने चिकन पुलाव बनाया, साथ दही की चटनी बनाई और ख़ूब इंजॉय किया। इसके बाद हमने पी चाय, और इस तरह हमारा टाइम बहुत अच्छा गुजरा। बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया, बच्चे कार्टून वगैरह देखते रहे और टॉयज़ के साथ खेलते रहे, और इस तरह टाइम स्पेंड किया। तो ज़ाहिर है अब स्कूल भी खुलने वाले हैं, तो बच्चों के पास यही दिन है क्योंकि अब एग्ज़ाम शुरू हो जाने हैं, सारा सारा दिन बिज़ी रहना है बच्चों ने। तो हम लोगों ने सोचा चलो बच्चे इस तरह इंजॉय कर लेंगे, तो उन्होंने काफ़ी इंजॉय किया। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कीजिए, और ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब मिलूँगी अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।